हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मदरबोर्ड के बारे में पूरा डिटेल्स। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे ही सब कुछ आपको दिया हुआ है, लेकिन आज आपको मैं इसको डिटेल में समझाने वाला हूँ। अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं मदरबोर्ड के बारे में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर थोड़ा बहुत जानते भी हैं तो आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ सारे कंपोनेंट जितना दिया हुआ मैं उससे ज़्यादा आपको समझाने वाला हूँ आज के इस वीडियो में दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको शुरुआत करूंगा पावर सप्लाई से। देखिए, यहाँ पे आपको 24 पिन का पावर सप्लाई दिया होता है। इस पावर सप्लाई का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो SMPS होता है आकर के कनेक्ट होता है, और ये SMPS कनेक्ट होकर के ही हमें इसको चालू करता है। इसमें पावर सप्लाई के दो पोर्ट होते हैं, एक 4 पिन का होता है और एक ये आपका यहाँ पर जो सप्लाई दिया हुआ है ये 24 पिन का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 पिन का उसको 8 पिन के बना करके दिया गया है, जबकि इसमें कनेक्ट 4 ही पिन का होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आपको अगले बोर्ड में थोड़ा एडवांस बोर्ड होगा, वो लेटेस्ट वाले में सब इसी में बताएंगे, अगले वीडियो इसी वीडियो में ही आपको बताऊंगा। तो ये आपका 4 पिन का कनेक्टर होगा, ये 8 दिया होगा लेकिन इसमें लगेगा 4 ही पिन दोस्तों। अब जब पावर लग जाएगा, जब ऑन करेंगे तो क्या जरूरी चीज़ें इसके अंदर लगा होना जरूरी है, तो दोस्तों इसमें लगा होना चाहिए CPU। इसमें क्या लगा होना चाहिए? CPU, यानी कि इसमें हमारा CPU सॉकेट लगा होना ज़रूरी है। और ये CPU सॉकेट के बिना जो है हमारा इसमें लगेगा नहीं CPU, तो CPU इसमें लगाना चाहिए। CPU दोस्तों इसमें लगा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं CPU. अब CPU में हमारे आता है 2 कंपनियों का नाम, एक AMD आता है और दूसरा इंटेल का आता है। तो इंटेल अपना प्रोसेसर बनाता है, ज़्यादा अच्छा बनाता है इंटेल का, AMD का थोड़ा कम बनाता है। इनका अभी नया है, हाँ, ज़्यादातर ग्राफिक वर्क के लिए AMD का प्रोसेसर ही लोग रिकमेंडेड करते हैं। तो ये दोनों चीज़ अगर लगा हुआ है तो हम लोग इसके अंदर काम कर सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पे रैम स्लॉट दिया हुआ है, रैम स्लॉट आपका इसमें दिया हुआ है 4, यानी फिर आप 4 रैम लगा सकते हैं। इसके बाद में आता है हीट सिंक, यहाँ पर लगा हुआ है। हीट सिंक माने क्या होता है? इसका काम होता है कि जब हमारे कंप्यूटर गर्म होगा तो ये उसे ठंडा करेगा। तो इसके ऊपर छोटे छोटे लिखे हुए हैं, निकले हुए हैं नॉच, और ये इसे ठंडा करने में काफ़ी हेल्प करते हैं दोस्तों। इसके बाद में आ जाते हैं, इधर दिया हुआ है ID। ID का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस पर हम लोग कर सकते हैं अपना DVD, हम इस पर कनेक्ट कर सकते हैं अपना हार्ड डिस्क, पाटा वाला हार्ड डिस्क, पुराना हार्ड डिस्क इसमें कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अच्छा, इसके बगल में ये देखो 4, 3, ये 4, 5, 6, 7, ये कंपोनेंट क्या है? तो ये दोस्तों आपके लिए बता देता हूँ कि ये क्या है, इसको बोलते हैं कैपेसिटर। तो ये हमारे कंप्यूटर में कंपोनेंट कैपेसिटर का काम करता है, और कैपेसिटर हमारे कंप्यूटर में पावर सप्लाई को अच्छे से सप्लाई करने में हेल्प करता है, इन्हें बोलते हैं कैपेसिटर। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैपेसिटर के बाद में बात करते हैं, यहाँ पे देखो एक छोटा सा दिया हुआ, ये IC है दोस्तों, ये IC है। यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि आप IC है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये IC है, ये भी IC है, इनको बोलते हैं लोग IC। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये पोर्ट दिया हुआ है, कि यहाँ पर दिया हुआ है 4 और 2 6, ये आपका जो पोर्ट दिया हुआ है टोटल है 6, और ये साटा पोर्ट कहलाता है। इसमें हम लोग लेटेस्ट का जो है कॉन्फ़िगर के अकॉर्डिंग जो है हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, इसमें हम लोग साटा हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, और इसीलिए इसका नाम साटा पोर्ट भी रखा गया है दोस्तों। इसी के बगल में फ्रंट कनेक्टर दिया हुआ है। फ्रंट कनेक्टर का मतलब होता है इसके अंतर्गत हम लोग अपने CPU में जो ऑन ऑफ बटन होता है, USB होता है, माइक का होता है, वो सारा कुछ कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर जो है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं फ्रंट पैनल या फ्रंट कनेक्टर। यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है हमारा जम्पर पोर्ट, ठीक है ना। इसके थ्रू हम लोग अपने कीबोर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई चीज़ें होती हैं जो हम अपने कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पर, तो जम्पर सेटिंग इसको बोला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर लगेगा फ्लॉफी डिस्क, फिलहाल के लिए आजकल फ्लॉफी डिस्क बिल्कुल यूज में नहीं आता, तो फ्लॉफी डिस्क का ज़माना अब ख़त्म हो गया है, और ये ख़त्म हुए लगभग 8-10 साल हो चुका है दोस्तों। ये है फ्रंट ऑडियो, यानी कि जो हमारे में आगे CPU में फ्रंट पैनल में जो 2 ऑडियो पोर्ट होता है, वो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो ऑडियो पोर्ट होता है यही यहाँ पर कनेक्ट होता है आकर के। बायोस चिप यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है, ये बायोस चिप है दोस्तों। बायोस चिप का मतलब क्या है? इसका काम मतलब है कि इसके अंतर्गत हमारे जो है सारा सेटिंग, हमारे कंप्यूटर की सारी सेटिंग इसमें सेव रहती है, और ये तब तक सेव रहेगी जब तक हमारा बैटरी वाला काम करता रहेगा, जिसको हम लोग CMOS बैटरी कहते हैं। CMOS बैटरी का काम होता है कि हमारे द्वारा जो भी बदलाव किया जाता है इस हार्डवेयर में, उसकी सेटिंग को सेव करके रखना। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर सेव रहता है, लेकिन हम जब कुछ भी बदलाव करते हैं तो वो सेटिंग भी इसमें अपडेट हो जाती है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर,
इसमें एक पैरेलल पोर्ट होता है, ये पैरेलल पोर्ट दिया हुआ है और ये पैरेलल पोर्ट जो होता है इसे प्रिंटर कनेक्ट करने के लिए होता है। दोस्तों इसमें पैरेलल पोर्ट आपका जो है दिया हुआ नहीं है, तो पैरेलल पोर्ट पहले प्रिंटर कनेक्ट के लिए करने होता था, अब पैरेलल पोर्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है। दोस्तों ऑडियो पोर्ट, ये आप देख रहे होंगे कि ये ऑडियो पोर्ट, यही ऑडियो पोर्ट आपके कंप्यूटर में फ्रंट पैनल में भी दिया होता है। तो ये ऑडियो पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर देखो दिया था ऑडियो पोर्ट का फ्रंट पैनल कनेक्ट करने के लिए, और ये ऑडियो पोर्ट हमारा जो था ये यूएसबी पोर्ट के लिए था जो है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एचडीएमआई पोर्ट, ये एकदम लेटेस्ट मॉनिटर जो हमारा मदरबोर्ड है तो इसमें एचडीएमआई पोर्ट दिया हुआ है। ज़्यादातर आपको सीपीयू में सॉरी मदरबोर्ड में आपको एचडीएमआई पोर्ट नहीं मिलेगा दोस्तों। तो एचडीएमआई पोर्ट में हम लोग हाई डेफिनेशन का जो है रेजोल्यूशन कनेक्ट कर सकते हैं और उस पर अच्छी क्वालिटी का जो है पिक्चर देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दिया हुआ है बीजी पोर्ट, यानी कि मॉनिटर कनेक्ट करने के लिए होता है। मॉनिटर में आपके इस समय दोनों पोर्ट आने लग गए हैं, बीजी और एचडीएमआई। तो आप इसमें चाहे एचडीएमआई में कनेक्ट करो चाहे बीजी में कनेक्ट करो, दोनों से आपका कंप्यूटर चालू हो जाता है। और टीवी वगैरह में ज़्यादातर तो बीजी और एचडीएमआई दोनों पोर्ट आता है, चाहे जो भी कनेक्ट कर लीजिए जो है, ठीक है। नेक्स्ट पोर्ट में आते हैं, ये आपका दिया हुआ है डीबीआई पोर्ट यहाँ पर जो, ठीक है ना। डीबीआई पोर्ट के जस्ट बगल में दिया गया है पीएस2 पोर्ट, इसमें हम लोग कीबोर्ड और माउस कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब कीबोर्ड और माउस ये वाला बंद हो चुका है और अब हमारे पास जो केवल कीबोर्ड और माउस आता है वो सब यूएसबी में आता है, यूएसबी में ही कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ आपको दिया हुआ लैन पोर्ट, इंटरनेट वायर वाला कनेक्ट करने के लिए, इसको इथरनेट पोर्ट भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारे मॉडेम से जो भी वायर निकल करके आएगा वो यहीं पे कनेक्ट हो जाएगा और हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट चालू हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर तो सारी चीज़ें खत्म नहीं हुई अभी हैं, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो दो वाइट की लाइन है इसको बोलते हैं पीसीआई स्लॉट, ये दो वाइट लाइन है इनको बोलते हैं हम लोग पीसीआई स्लॉट। इसके अलावा एक यहाँ पर जो स्लॉट दिया हुआ है इसको बोलते हैं एजीपी स्लॉट दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे जो दो स्लॉट दिया हुआ है एजीपी स्लॉट दिया हुआ है, इस पर हम लोग ग्राफिक कार्ड्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। इसके अलावा एक्सटर्नल और भी बहुत सारे इंटरनल जो बहुत सारे और हार्डवेयर पार्ट आते हैं जो हमारे पीसीआई पे कनेक्ट हो सकते हैं दोस्तों, जिनको हम लोग जैसे कि मैं आपको बताऊँ पैथोलॉजी जो शॉप होती है उनमें कुछ नए मैन्युफैक्चरिंग हार्डवेयर होते हैं जो स्पेशली टेस्टिंग वगैरह करने के लिए होते हैं, जो हमारे सीपीयू में सीधा डायरेक्टली इंटरनल कनेक्ट हो जाते हैं। वो तो इस तरह के जो कनेक्शन होते हैं वो सीपीयू पे सीधे होते हैं आकर के जो, ठीक है। तो इस वाले में तो पूरा लफन बता दिया, लेकिन कंपोनेंट के बारे में आपको बताता हूँ। ये है क्वाइल, ये क्वाइल है दोस्तों, ये भी आपका कंपोनेंट है हमारे इस पर, तो ये अभी आपको पता होना चाहिए। ये जो वाइट वाला कलर का है ये सब कैपेसिटर है दोस्तों, ये सब कैपेसिटर यहाँ पर है, ठीक है ना। ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, तो ये कैपेसिटर है, ठीक है ना। तो ये बड़े महत्वपूर्ण यहाँ पे कंपोनेंट थे। यहाँ पर देखो एक लगा हुआ है मॉसफेट, ठीक है ना, ये मॉसफेट कहलाता है, ओके। तो चलिए अगले में चलते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये एकदम लेटेस्ट बोर्ड है गीगाबाइट का और इस बोर्ड के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देंगे और डिस्क्राइब करेंगे कि इसका यूज होने वाला क्या है। ये थर्ड जनरेशन का है, यहाँ पर लगने वाला है सीपीयू सॉकेट है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग सीपीयू लगाएंगे और सीपीयू कंप्यूटर में ना हो तो उसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, क्योंकि कंप्यूटर एकदम से बहुत ही स्लो स्पीड में चलेगा। तो बहुत ही हाई स्पीड में चलाने के लिए हमको जरूरत होती है सीपीयू सॉकेट की दोस्तों। तो बिना सीपीयू सॉकेट के कंप्यूटर चलता ही नहीं समझ लो तरीके से। इसके अलावा इसमें जो है डिबग एलईडी दिया हुआ है, डिबग एलईडी यानी कि कंप्यूटर अगर हमारा कोई गड़बड़ होता है ना तो ये डिबग एलईडी दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग उस कोड को फाइंड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर है, ये एकदम नया है, आपको किसी भी सीपीयू में नहीं मिलेगा दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो आने वाले आपको सीपीयू में मिल सकता है। आगे यहाँ पर दिया हुआ है चार स्लॉट, यानी कि ये रैम का स्लॉट है, इसमें हम लोग DDR3 रैम लगा सकते हैं, इसमें DDR4 रैम चल रहा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पिछला भी बताया था मदरबोर्ड, उसमें आपका 24 पिन का था, इसमें भी 24 पिन का ही कनेक्टर लगा हुआ है यहाँ पर है। हम पावर सप्लाई का 24 पिन का कनेक्टर यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे, यहाँ पर आपको दिया हुआ है ऑनबोर्ड USB 3 कनेक्टर, यानी कि ये फ्रंट पैनल के लिए दिया हुआ है कि हम यहाँ पर USB पोर्ट कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर साटा पोर्ट दिया हुआ है, ये साटा पोर्ट दिया हुआ है, इसमें हम लोग साटा पोर्ट के 3 पोर्ट दिए हुए और यहाँ पर हम लोग साटा हार्डिस्क को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी साटा आपको दिया हुआ है, यहाँ पर हम साटा कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपको USB पोर्ट के लिए दिया हुआ है तो ये USB हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये ऑन ऑफ USB दिया हुआ है, ये तो ये चार्ज USB पोर्ट है, तो ये कुछ नया पोर्ट है, इस पर हम लोग चार्जिंग वगैरह करने के लिए लगा सकते हैं कंप्यूटर को, हमें अपने मोबाइल वगैरह को। इसके अलावा UEFI जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, ये हमारा है UEFI ड्यूल बायोस। तो ये एक IC हमारी है जो हमारे एक कंप्यूटर में, आप बताओ दोस्तों कि
आजकल जो हमारे कंप्यूटर बन करके आ रहा है उसमें विंडोज 10 और विंडोज 7 के लिए थोड़ा नया कॉन्फ़िगर होकर के आ रहा है। ये मैं आपको आगे वाले वीडियो में किसी में दिखाऊंगा अभी जो है कि क्या कॉन्फ़िगर बायोस के साथ में आ रहा है, तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पीसीए स्लॉट दिए हुए हैं और इस पर हम लोग जो है नए अपने हार्डवेयर कनेक्ट कर सकते हैं या ग्राफिक कार्ड्स वगैरह इंटरनली ऐड कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये पिछले वाले बोर्ड से बिल्कुल ही एकदम से हट करके बोर्ड है। जो है यहाँ पे आप देखेंगे ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये सब कैपेसिटर दिया हुआ है यहाँ पे वाइट कलर का जो है, ठीक है ना दोस्तों। ये भी कुछ कैपेसिटर है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये कॉइल दिया हुआ है, तो ये भी कॉइल है आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये कैपेसिटर सारे लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं ये हीटसिंक है, ये हीटसिंक लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आगे अब आगे यहाँ पर दिया हुआ है ये आपका ऑडियो कैप है, यहाँ पे हम लोग ऑडियो ऐड कर सकते हैं। यूएसबी पोर्ट आपका दिया हुआ है, लैन पोर्ट डबल दिया हुआ है, यानी कि इसमें हम लैन डबल पोर्ट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको एचडीएमआई का डबल पोर्ट दिया हुआ है कि हम यहाँ पे डबल डिस्प्ले ऐड कर सकते हैं। टीवीआई पोर्ट इसका अलग से दिया हुआ है और इसके अलावा बीजे पोर्ट भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये डिटेल थी हमारे एक नए मदरबोर्ड की। किसी अन्य मदरबोर्ड के वीडियो के साथ में हम आपको उपलब्ध होंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। वीडियो में कुछ और पूछना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। हाँ, आप किसी और मदरबोर्ड के बारे में अगर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ जानना चाहते हैं, तो भी कमेंट डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।